शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इसे कर्नल जी बात करें अगर सरसों की, तो सरसों की भी देख रहे, नई फसलों का आगमन हो चुका है मंडियों के अंदर। अभी धीरे धीरे आवक के आने वाले समय में कुछ और बढ़ जाएंगी। हालांकि अभी बारिश देखी जा रही है कई जिलों में, जिसकी वजह से जो आवकें हैं वो इतनी देखने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आवकें बढ़ेंगी, आपको क्या लगता है, क्या सरसों का जो उत्पादन का अनुमान इस बार लगाया गया है, जिस हिसाब से इस बार सरसों की बुआई का रकबा बढ़ा है, तो क्या सरसों की कीमतें पहले जैसी अट्रैक्टिव रह पाएंगी? कई किसानों के मन में ये भी शंका है कि कहीं जो सरसों है MSP के नीचे ना चली जाए। आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, बहुत अहम सवाल पूछा है आपने कि रबी की सबसे बड़ी फसल सरसों, क्योंकि खरीफ के अंदर तो सोयाबीन और रबी के अंदर जो है वो है सरसों। और राजस्थान के लिए तो ये बहुत गिरावट जीने मरने का प्रश्न बन जाता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है। सरसों का उत्पादन के अंदर करीबन 24% का अधिक बिजाई की सूचना मिली है सरकार अधिकृत सूत्रों के हिसाब से, और ये पिछले साल के मुताबिक 15-20% सरसों के अंदर बिजाई के हिसाब से अधिक उत्पादन की उम्मीद भी लगाई जा रही है। और ये लगभग 80 लाख जो 90 लाख है उसको हो सकता है कि ये 1 करोड़ के ऊपर इसका उत्पादन का बात बने। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि पिछले कुछ दिनों से, जिसके लिए मौसम के ऊपर हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा हमारे करीबन एक महीने पहले से एडवांस के अंदर हमने कहा था इस बार मौसम शायद दगा दे सकता है, और मौसम ने दगा भी दिया और उसके अंदर कहीं जगह तेज बरसात, ओलावृष्टि और कोई, और पिछले कुछ दिनों के अंदर भी हरियाणा के अंदर तेज बरसात है, राजस्थान के अंदर भी कुछ तेज बरसात की सूचनाएं मिल रही हैं, उससे सरसों की फसल के ऊपर और विशेषकर गेहूं की फसल के ऊपर कुछ थोड़ा सा प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो लेकिन कुल मिला के जो उत्पादन है सरसों का अच्छा होने की पूरी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। अब उत्पादन को देखते हुए जो फसलों, लेकिन बारिश के वजह से जो पिछले 2-4 दिन के अंदर जो सरसों के भाव मंडियों के अंदर थोड़े से बढ़े, वो भी एक विशेष बात है। और अब सवाल ये आ रहा है कि आप किसानों को क्या करना चाहिए। देखिए, किसानों को मैं यही कहूंगा, एक मेरा चिरपरिचित वर्ड होता है धैर्य। जो जल्दबाजी के अंदर मंडियों के अंदर माल लाके अगले 15 दिन 1 महीने के अंदर माल बेचेगा, उसको संभावना यह है कि उसको पूरा लाभ ना मिले जी। उस क्योंकि जब अराइवल अच्छी आ जाती है तो हर जगह बेचू 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 की खबर मिलने लगती है, कोई फंडामेंटल और कोई कुछ का सवाल नहीं आता, और जिनको पैसा खड़ा करना है और जिनको पैसा देना है उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, वो किसान अपना माल बेच देते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि यदि आपके पास 100% पूरी उपज को एक साथ मंडियों में बेचने के बजाय इसको थोड़ा सा रुक कर बेचेंगे तो आपको मुनाफा अधिक मिलने की संभावना बनेगी, ये मेरा आकलन है। क्योंकि शुरुआती दौर के अंदर हो सकता है कि सरसों के दाम नीचे गिर जाए। ये अखिलेश जी, जी तो काफी महत्वपूर्ण सलाह दी है कर्नल अजय जी ने सरसों और सोयाबीन के ऊपर। अगर कोई फायदा उठाना चाहता है तो जरूर कर्नल अजय जी की राय मान सकते हैं, क्योंकि कर्नल अजय जी ने पहले भी सरसों और सोयाबीन किसानों के हित में ही बात कही थी और उनको लाभ भी पहुंचाया था। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।